हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऑल एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस एनसीआर झांसी, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस झांसी के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे जो हर साल अप्रेंटिस की पोस्ट वैकेंसी निकाला गया था, सेम उसी तरह से आपका यहाँ पे 2021 में भी वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पे जो है 480 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया, बहुत अच्छा खासा पोस्ट है और काफ़ी कैंडिडेट जो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई किए हैं। तो आप सभी का मेरे पास बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि इसका जो है प्रीवियस ईयर का जो है कट ऑफ वीडियो बनाइए, क्योंकि यहाँ पे 2020 में अप्रेंटिसशिप आया था उसका जो यहाँ पे ज्वाइनिंग हो चुका है, 1 अप्रैल से ज्वाइनिंग हो गया है। बहुत सारे लोगों से मुझसे बात हुआ था तो जो है उनका यहाँ पे कॉल आया था, 1 अप्रैल से ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे जो हम आपको दिखाने वाले उसी का लिस्ट आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कितने परसेंटेज पर सिलेक्शन मिला है, बिल्कुल जो है आपको यहाँ पे ऑफिशियल है। स्टेट वाइज हम आपको बताएंगे जिस स्टेट में आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो उस स्टेट का कितना कट ऑफ गया था, अगर उसके आसपास भी आपका यहाँ पे जो है परसेंटेज मैच करता है तो आपका यहाँ पे जो है सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कितने परसेंटेज पर यहाँ पे सिलेक्शन मिला है और आपको यहाँ पे कट ऑफ के साथ साथ आपको लास्ट में जो है सैलरी बताएंगे, स्टाइपेंड जो है आपको पर मंथ कितना दिया जाएगा। तो वीडियो जो है आप पूरा लास्ट तक देखिएगा तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कट ऑफ कितना गया था। तो आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि यहाँ से कोई भी आपको नोटिफिकेशन मिस ना हो। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले ताकि यहाँ से कोई भी आपको नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए आपको दिखाते हैं कट ऑफ कितना गया था। देखिए जो है आपका अप्रेंटिसशिप निकाला गया था यहाँ पे 28/5/2020 में ये निकाला गया था और इसका जो रिजल्ट आपका यहाँ पे निकाला गया था आप देख सकते हैं यहाँ पे 11/1/2021 को यहाँ पे निकाला गया था झांसी का, ये है आपका यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे देख लीजिए कितना परसेंटेज पे यहाँ पे सिलेक्शन मिला है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे फीटर है, आपको इस तरह के एप्लीकेशन नंबर, अप्रेंटिसशिप का जो पोर्टल है उसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम नाम, फादर नेम, मदर नेम और आपके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे आपका एवरेज परसेंटेज। तो फीटर वालों को देख लीजिए एवरेज परसेंटेज मतलब जो है आपके यहाँ पे 10th प्लस आपका जो यहाँ पे ITI दोनों मिला करके यहाँ पे परसेंटेज तैयार किया जाता है। इसमें से जो है आपका 50% और इसमें से 50% दोनों को आपको ऐड करके अगर आपका इतना आता है लगभग जो है आपके यहाँ पे फीटर टेड वालों का तो यहाँ पे जो है आपका सिलेक्शन मिल जाएगा। ये हो गया, आप देख सकते हैं फीटर में कम से कम जो यहाँ पे 83-81 इस तरीके से जो यहाँ पे मेरिट गया है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 80 अगर आपका आ रहा है एवरेज परसेंटेज हाई स्कूल और ITI मिला करके तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। उसी के नीचे आने के बाद से आप देख लीजिए वेल्डर में टोटल जो यहाँ पे 50 लोगों को सिलेक्ट किया गया है। तो इसमें जो है आपका यहाँ पे परसेंटेज जो यहाँ पे एवरेज परसेंटेज आप देख सकते हैं 83 है, 81 है, 80 है, तो लगभग जो है आपका यहाँ पे फीटर और वेल्डर का लगभग सेम ही है। यहाँ पे देख सकते हैं कम से कम जो यहाँ पे 77% भी यहाँ पे सिलेक्शन मिला है। चलिए उसी के नीचे और ट्रेड को हम आप दिखाए थे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैकेनिक का है, इसमें जो यहाँ पे 84-81 मिनिमम जो यहाँ पे गया है और उसी के नीचे यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का है जो कि यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट इसी में फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो इसका जो कट ऑफ देख सकते हैं यहाँ पे 87 गया है, 86 गया है, 85 गया है और हम नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कम से कम जो यहाँ पे 84 पर भी यहाँ पे सिलेक्शन आपको मिल गया जो कैंडिडेट इलेक्ट्रीशियन से फॉर्म फिलअप किए हैं। अगर आपका एवरेज परसेंटेज इतना आता है तो आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। उसी के नीचे आने के बाद से यहाँ पे MMTM का यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे 78 गया है मिनिमम जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ST कैंडिडेट के यहाँ पे 66.5 पर भी यहाँ पे सिलेक्शन मिला है। उसी के नीचे आने के बाद से आप देख सकते हैं पेंटर का है, पेंटर में आप देख लीजिए 74 गया है, 59 गया है, तो ये इसमें जो कट ऑफ बहुत ही कम गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 57 पे भी यहाँ पे सिलेक्शन मिला है। उसी के नीचे आने के बाद से आप देख सकते हैं स्टोनो हिंदी का है, यहाँ पे 3 लोगों को सिलेक्ट किया गया है, 87-82 मिनिमम जो है यहाँ पे परसेंटेज पे सिलेक्शन मिला है। उसी के नीचे आने के बाद से आप देख सकते हैं वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट आएंगे उनका यहाँ पे फीटर में देख लीजिए, जो अगर आपका नाम नहीं आता है सिलेक्शन लिस्ट में तो फीटर सॉरी जो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाता है उसमें से अगर कैंडिडेट नहीं जा पाते हैं तो आपको बुलाया जाता है। तो इसमें भी नॉर्मल ही कट ऑफ है 80 के लगभग जो गया है। और उसी के हम नीचे आएंगे तो आप देख लीजिए ये हो गया फीटर का, वेल्डर में भी जो वेटिंग लिस्ट आप देख सकते हैं इसमें भी यहाँ पे 75 तक लगभग गया है। तो वेटिंग लिस्ट और फाइनल लिस्ट लगभग दोनों आसपास ही जो है परसेंटेज रहता है, 1 या 2% का यहाँ जो है अंतर रहता है। और जो इसमें जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा तो इसमें जो आपके यहाँ पर अप्रेंटिसशिप जो कराया जाएगा 1961 के अंतर्गत कराया जाता है।
1961 के अंतर्गत जो आपका सैलरी है यहाँ पे 8,050 रुपये मिलता है। 8,050 रुपये से लेकर के आपको यहाँ पे 10,000 के बीच में आपको यहाँ पे दिया जाएगा। यही जो रूल है इसी के बीच में आपको मिलेगा 8,050 रुपया या 8,500-9,000 ऐसे ही आपको, मतलब जो मिनिमम जो है आपके यहाँ पे 8,050 रुपया फिक्स है। तो यही हो गया आपका कट ऑफ। आप देख लीजिए अगर आपका इसके रिलेटेड परसेंटेज आता है तो आप कमेंट करके बताइए कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उसको हम देख करके आपको बता सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।